Friends, welcome to Scholastic Classes. Today we are going to start with reflex action. We will talk about what is reflex action, their examples, what is reflex arc, and the flowchart to depict the reflex arcs, different kind of reflex arcs. So let's start with reflex action. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बिकॉज ये हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्स एक्शन. सो आइए स्टार्ट करते हैं विद रिफ्लेक्स एक्शन. पहले ये जानते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है. स्टिमुलस बेसिकली एक ऐसा चेंज है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिससे कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं. तो स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो लाइट हो सकती है, हीट हो सकती है, साउंड है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सब स्टिमुलस की फॉर्म्स हैं. सो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस. ये बहुत ही रैपिडली होता है और इनवॉलेंटरी एक्शन है, मतलब विदाउट थिंकिंग वी परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन. सो बेसिकली दीज आर द एक्शन विच वी डू विदाउट थिंकिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. कफिंग. कफिंग भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का फॉर्म है क्योंकि ये हमारी विंड पाइप को क्लियर करता है. सिमिलरली जैसे ही हम किसी ब्राइट लाइट में अगर एंटर करते हैं, एकदम से ब्राइट लाइट में एंटर करने पे हम अपनी आईज क्लोज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी आईज क्लोज हो जाती है. वाई? बिकॉज जो प्यूपल होता है हमारी आई का वो स्मॉल हो जाता है, और इसका रीज़न ये होता है कि हमारी आईज का जो रेटिना है वो डैमेज ना हो, इसीलिए हमारी आईज जो है वो एकदम से क्लोज हो जाती है. सो दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. सिमिलरली जब हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्विकली हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा रूट है जो कि हमारी नर्व इम्पल्सिस जो होती हैं वो लेती हैं रिफ्लेक्स एक्शन को कम्प्लीट करने के लिए. अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. इसमें देखिए यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है और जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया जाता है सो रिसेप्टर क्या है इसके, इसमें रिसेप्टर इज द स्किन, राइट? और हॉट ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलस, दैट इज हीट इज द स्टिमुलस. तो यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके थ्रू मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड पे एंड देन टू द ब्रेन. एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया टू द इफेक्टर. इफेक्टर इज द मसल ऑफ द आर्म. और रिएक्शन क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ कि इमीडिएटली वहाँ से हाथ हटा लेते हैं हम. कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करते हैं एकदम से हाथ हम अपना हटा लेते हैं. सो दिस इज अ रिफ्लेक्स आर्क. आइए इसको फ्लो चार्ट. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इफेक्टर्स और रिसेप्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना होगा आप उसको रेफर कर सकते हैं. सो जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम देखा फॉर द रिफ्लेक्स आर्क, यही उसका फ्लो चार्ट फॉर्म में समझते हैं हम कि कैसे पूरा एक्शन हो रहा है. सो स्टिमुलस हमने जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया सो स्टिमुलस वॉज हीट. नाउ रिसेप्टर वॉज द स्किन ऑफ अवर हैंड. यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुँचता है स्पाइनल कॉर्ड पे एंड स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है टू द इफेक्टर. इफेक्टर इस केस में हमारा था द मसल ऑफ द आर्म, राइट? एंड रिस्पॉन्स वॉज लिफ्टिंग ऑफ द हैंड. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कि स्टिमुलस वॉज हीट, सो रिसेप्टर वॉज स्किन एंड थ्रू दैट सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज गया एंड देन थ्रू मोटर न्यूरॉन इट रीचेज द इफेक्टर एंड द रिस्पॉन्स वॉज दैट वी लिफ्टेड अ हैंड. सो दीज ऑल कम अंडर द स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क है. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, जैसे ही हम ब्राइट लाइट में एंटर करते हैं सो हमारे जो आईज का प्यूपल है दैट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? सो उसको अगर हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? इस केस में रिसेप्टर क्या होगा? आईज, आई विल बी द रिसेप्टर. और स्टिमुलस क्या है इस केस में? स्टिमुलस इज द ब्राइट लाइट, राइट? सो ब्राइट लाइट इज द स्टिमुलस, रिसेप्टर था आई. थ्रू द सेंसरी नर्व्स इट रीचेज अ ब्रेन. ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के, मोटर नर्व्स के थ्रू वो इफेक्टर पहुंचते हैं. इफेक्टर इस केस में हमारा आईज है, दैट इज द आयरिस ऑफ द आई. एंड रिस्पॉन्स क्या हुआ? जो प्यूपिल था दैट गॉट श्रिंक्ड. I hope this is clear to you, reflex arc and reflex action. If you have any doubts regarding this, please write me in the comment section. I'll definitely try to answer those. Thank you.